नेपाल और भारत के बीच में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि अब एक बड़ा कदम नेपाली बिजनेसमैन की तरफ से उठाया गया है और इंडियन करेंसी की नोट्स को अब बिजनेस नहीं लेंगे। और ये कदम नेपाल के पेट्रोल पंप्स ने भी उठाया है और उन्होंने एक नोटिस चिपका दिए कि ओनली नेपाली करेंसी विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि सिर्फ नेपाली करेंसी ही ले जाएगी। अब दोस्तों ये सब हो क्यों रहा है? नेपाली सेंट्रल बैंक ने पहले ही इंडियन करेंसी की 200 के ऊपर की नोटों को बैन कर दिया 2019 जनवरी में, लेकिन फिर भी नेपाली बैंक एक्सेप्ट करते थे इंडियन नोट्स को जो कि 100 रुपए तक हो। और बड़े नोट बंद हो जाने की वजह से इंडियन टूरिस्ट और बिजनेसमैन को दिक्कतें होती थी, लेकिन इसके पीछे वजह भी कहीं ना कहीं भारत ही रहा है, क्योंकि भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 नवंबर में और उसके पहले इंडियन नोट्स को काफी ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता था नेपाल में। लेकिन उस डीमोनेटाइजेशन के बाद से नेपाल के बैंक्स पर काफी पैसा पड़ा रह गया जो कि भारत सरकार ने नहीं लिया, जिसके चलते नेपाल पे काफी असर पड़ा था। और वहीं अगर फिर देखें तो यहाँ पर रिसेंटली फिर कुछ ऐसे ही कदम लिए गए भारत की सरकार द्वारा, और अभी भारत की सरकार ने 2000 रुपए की करेंसी के नोट्स सर्कुलेशन से बंद कर दिए, यानी कि बैन कर दिए। तो अब फिर से एक बार नेपाली ट्रेडर्स और नेपाली लोगों का इस डीमोनेटाइजेशन की वजह से असर पड़ा है। हर नेपाली बिजनेसमैन या फिर छोटा व्यापारी अब वहां जाकर 2000 रुपए की नोट नहीं बदला सकता और उसको बैंक भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उनके पास पड़े हुए पैसे कहीं ना कहीं खराब हो जा रहे हैं, जिसके कारण अब इस डीमोनेटाइजेशन की वजह से भी कहीं ना कहीं नेपाली बिजनेसमैन भारतीय करेंसी अब नहीं लेंगे। और उनकी तरफ से शायद ये एक सही फैसला भी होगा कि जिस तरह से भारत सरकार डीमोनेटाइजेशन कर रही है उससे असर तो पड़ता है। ज्यादातर बॉर्डर एरियाज पर इंडियन करेंसी ले ली जाती है, क्योंकि वहां पर आमतौर पर जल्दी एक्सचेंज कराया जा सकता है और उसको यूज किया जा सकता है, लेकिन इनर नेपाल में और इनर पार्ट्स में करेंसीज को नहीं लिया जा रहा जो कि भारत की। और इसके लेकर नेपाल के ऑफिशियल्स ने भी बताया कि इसके चलते डिमांड भी बढ़ी है नेपाली करेंसी की, जो कि एक अच्छी खबर है, जिसके चलते एक्सचेंज रेट भी बढ़ा है। एक इंडियन रुपीस अब 1.55 नेपाली रुपीस के बराबर हो गया, जो कि पहले 1.60 नेपाली रुपीस के बराबर था, यानी कि नेपाली रुपीस ज्यादा मजबूत हुआ है और इससे नेपाल का ही फायदा। तो इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नेपाल की खुद की करेंसी पर देखने को मिला है, लेकिन इससे कुछ बड़े असर कुछ ऐसे बिजनेस पर पड़ सकते हैं जो कि हैवीली इंडियन मार्केट पे डिपेंड करते हैं और इंडियन करेंसी पे डिपेंड करते हैं, लेकिन उसका भी शायद कुछ तोड़ निकाल लिया जाए। और मेरे हिसाब से कि नेपाल में नेपाली करेंसी ज़्यादा इस्तेमाल होना एक नेपाल की करेंसी को स्ट्रॉन्ग करेगा और ये एक बेहतर फैसला भी है, लेकिन इसको थोड़ा ईजी बनाना पड़ेगा जिसके चलते यहाँ पर प्रॉब्लम कम हो। तो इस पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये भारतीय करेंसी का बैन होना नेपाल में सही फैसला है, या फिर आपको लगता है कि नहीं इसको ऐसे ही चलता रहना देना चाहिए था। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।